नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आईनाइन टेक्नोलॉजी के इस नए अमेजिंग वीडियो पर। दोस्तों, आप सभी के लिए लेके आया हूँ फिर से मैं अमेजिंग हाईटेक ट्रांसपोर्टेशन गैजेट्स। इसमें हम देखेंगे बहुत सारे ई मोटर्स, ई बाइक्स और एसेसरीज। दोस्तों, ये सभी गैजेट्स हाईटेक फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी से लैस हैं। इन सभी का परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो नए व्यूअर्स चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल में सेट कर दीजिएगा। तो चलिए आज का ये अमेजिंग वीडियो शुरू करते हैं। कॉप्टर पैक। दोस्तों, आयरन मैन की तरह उड़ना शायद हर किसी का ख्वाहिश रहा होगा, पर असल दुनिया में उसकी तरह उड़ पाना अभी तक के लिए तो मुमकिन नहीं है। पर अगर आप उड़ना चाहते हैं तो ये गैजेट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये दरअसल एक हाईटेक फ्लाइंग सूट है जिसपे दो बड़े बड़े मूविंग प्रोपेलर्स लगे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं, जिन्हें आप रिमोट कंट्रोलर से कंट्रोल भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस सुपर हीरो को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। DC ट्राई इलेक्ट्रिक ट्राइक। दोस्तों, आजकल ई बाइक्स को सभी पसंद करने लगे हैं क्योंकि ये आसानी से चार्ज होने के साथ साथ काफ़ी अच्छा ट्रैवलिंग रेंज प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में ये यूनिक डिजाइंड ट्राई साइकिल ई बाइक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस पे खड़े होने के लिए एक बेस दिया गया है और आप कंफर्ट तरीके से इसमें खड़े होकर ट्रैवल कर सकते हैं। सिंगल चार्ज पर आपको ये 30 माइल्स तक का ट्रैवलिंग रेंज प्रोवाइड कर सकता है, जी हाँ, जो बाकी ई बाइक से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, जो कि 15 माइल्स पर आवर का स्पीड भी प्रोवाइड करता है। और वन एरियाज में इस तरीके की ट्रैवलिंग व्हीकल वाकई में बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाते हैं, जो कि इको फ्रेंडली एंड सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। REVAN हेलमेट माउंटेड डैश कैम विथ हुड। दोस्तों, जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं या फिर लंबी लंबी राइडिंग ट्रिप्स पर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने साथ एक एक्शन कैमरा ले जाते हैं जिसे वो वीडियो शूट कर पाए, पर इस लेवल से भी एडवांस इस सेटअप को देख के आप दंग रह जाएंगे। ये दरअसल एक तरीके का कैमरा अटैच्ड हेलमेट है और इस हेलमेट का ग्लास भी डिजिटल होता है। माउंटेड कैमरा 360 डिग्री वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है और तो और वीडियो फुटेजेस को एक छोटी सी डिस्प्ले पर दिखाता है। साथ ही इस डिस्प्ले से आप अपने मोबाइल फोन में आने वाले नोटिफिकेशन एंड कॉलिंग को भी देख सकते हैं। तो इस तरीके का गैजेट आपके सफर को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देगा। बर्ड 3। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पेट्रोल डीजल का प्राइस काफ़ी बढ़ रहा है और ये आगे भी बढ़ेगा, और इसी वजह से सभी धीरे धीरे ई बाइक एंड मोटर की तरफ जाने लगे हैं। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ बर्ड 3 इलेक्ट्रिक बाइक। 20-30 किलोमीटर का शॉर्ट रेंज डिस्टेंस आप इसकी मदद से ट्रैवल कर सकते हैं, जो अर्बन एरियाज के लिए काफ़ी यूजफुल है। ये एक रिचार्जेबल बैटरी से ऑपरेट हो सकता है और तो और इसे 1 किलोवाट की पावरफुल मोटर से पावर मिलती है। टॉप स्पीड 16 माइल्स पर आवर के होने के साथ साथ सिंगल चार्ज पर 16 माइल की रेंज तक आप ट्रैवल कर सकते हैं और तो और इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी ना दोस्तों बहुत ज़्यादा लाजवाब है। रोड थंडर साउंड बार। जैसे राइडिंग करते हुए भला किसी म्यूजिक सुनना पसंद नहीं होगा, पर अगर हम हेडफोन या फिर ईयरबड्स लगाकर राइडिंग करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। पर इस डिवाइस की मदद से राइडिंग करते समय भी आप म्यूजिक सुन सकते हैं। यह दरअसल डायरेक्शनल स्पीकर है जो बार शेप में आता है। इसे खास तौर पर बाइक्स के लिए डिजाइन किया गया है। ये ब्लूटूथ एक्सेसिबल स्पीकर है जो आपके मोबाइल से कनेक्ट होकर बजता है। किसी भी तरह की बाइक के लिए ये स्विटेबल है और कंफर्टेबल भी। तो इस तरीके के अमेजिंग गैजेट के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्लिंग हेलमेट कैरी स्ट्रैप्स। हेलमेट का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, पर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है ना, तो वो है इसे कैरी करना। हेलमेट यूज करने के बाद हम जब कहीं रुकते हैं या फिर कहीं चलते हैं तो उसे कैरी करना पड़ता है, जो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग काम है। पर मिलिए इस हेलमेट कैरी स्ट्रैप से। इसे आप अपने हेलमेट के साथ अटैच करके इसे टांग सकते हैं और तो और कहीं भी हेलमेट को लेके जा सकते हैं बिना पकड़े। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल इस स्ट्रैप से आप किसी भी तरह के हेलमेट को कैरी करके ले जा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेबल भी होता है। तो इस यूजफुल गैजेट के लिए एक प्यारा सा लाइक तो बनता है। बीलाइन विलो। दोस्तों, वैसे तो बड़े बड़े मोटर बाइक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स में नेविगेशन डिस्प्ले लगा होता है जिससे कि आप डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, पर अगर आप इस फैसिलिटी को अपने बाइसाइकिल में चाहते हैं तो बीलाइन विलो को जरूर से इस्तेमाल कीजिएगा। ब्लूटूथ के जरिए इसे अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करके अपने साइकिल पर इंस्टॉल कर देना होगा, और जो भी लोकेशन आप अपने मोबाइल फ़ोन में सेट करेंगे ना, उसके मुताबिक ये आपको डायरेक्शन दिखाता रहेगा, जिससे कि आप बड़ी ही आराम से अपने सफ़र को तय कर सकते हैं। मंकी साइकिल सिस्टम। दोस्तों, बच्चों को साइकिल सिखाना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है क्योंकि साइकिल को बैलेंस करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, पर मिली ये मंकी साइकिल सिस्टम से, जो कि एक कस्टमाइजेबल साइकिल सिस्टम है जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं।
बच्चों के लिए ये बाईसाइकिल काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा क्योंकि वो इसे जैसे चाहें वैसे कस्टमाइज करके अपने हिसाब से चला सकते हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। स्ट्रोक कार्गो बाइक। दोस्तों इस अमेजिंग से सिंगल सीटर बाइक को देखकर आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। वैसे हम साइकिल वगैरह को ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के लिए या फिर एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर अगर आप इस पे सामान वगैरह ले जाना चाहते हैं तो उतना जगह नहीं होती। पर मिलिए इस स्ट्रोक कार्गो से जो कि स्पेशली चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो अगर आप चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करते रहते हैं तो इस तरीके का बाईसाइकिल एक बेहतरीन चॉइस होगा। नाइनेबोट गोकार्ट। आपको अगर एंटरटेनमेंट के लिए एक जबरदस्त एंड ड्यूरेबल व्हीकल चाहिए तो ये व्हीकल बेस्ट होगा। ये बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो स्पोर्ट्स कार के लुक में मार्केट में अवेलेबल है। ये व्हीकल एक पावरफुल मोटर से ऑपरेटेड है जो इसे काफी अच्छी खासी पावर प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्रियल एरियाज में इस तरह के व्हीकल को एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसका मिनी वर्सन भी अवेलेबल है जो छोटे छोटे बच्चों के लिए राइडिंग या फिर मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो में दिखाए गए गैजेट्स में से कौन सा गैजेट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ ही किसी भी गैजेट को आप परचेज करना चाहते हैं तो उसका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप उसे परचेज कर सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल आईनाइन टेक्नोलॉजी में नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ यार, ताकि ऐसे ही मजेदार फंटास्टिक वीडियोज आपको मिलते रहें। वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।